कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता यदि श्राद्ध करते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पितृ पक्ष में प्रायः लोग पूरे पक्ष भर तर्पण करते हैं, तो कोई ज्येष्ठ कुल में कोई ज्येष्ठ बड़ा भाई या कोई चाचा ताऊ है तो वो लोग कर देते हैं, तो और लोग नहीं करते हैं, तो क्या ये सही है? क्या सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए, या सभी भ्राताओं में कोई ज्येष्ठ भ्राता तर्पण श्राद्ध आदि कर देवे तो उससे सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है? इसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है? देखिए, महर्षि मरीचि के वचन हैं और प्रचेता जी का जो स्मृति में वचन है, इन दोनों को वीर मित्रोदय के श्राद्ध प्रकरण में उद्धृत करके जो है इसको बतलाया गया है। यहां कह रहे हैं कि कौन कौन से श्राद्ध तो एक ही व्यक्ति के द्वारा होने चाहिए और कौन कौन से श्राद्ध पृथक पृथक होना चाहिए, और किस अवस्था में पृथक होना चाहिए, क्या वे विभक्त हो गए हैं, उन्होंने अपने दाय का यानी पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया है तब क्या नियम है, और वे सब एक साथ ही भोजन करते बनाते हैं तब क्या नियम है, कोई बहुत छोटा है या कोई बहुत बड़ा है तो उसके लिए एक ही नियम है या अलग अलग है, इस बात पर जो है शास्त्र चर्चा देखिए। कह रहे हैं कि मृते पितर पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहुवास्युर यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः। कहे मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्य विधानता, पिताजी माताजी आदि के दिवंगत होने के बाद विधि विधान पूर्वक क्रियाओं को करना चाहिए। अगर बहवः स्युः पुत्राः, मुख्य रूप से पिता की क्रिया माता की क्रिया का करने का अधिकारी पुत्र ही है, यदि पुत्र के होते पति के रहते माता दिवंगत हो जाती है तो कई जगह पर पति के द्वारा पत्नी का संस्कार कराया जाता है, जबकि समर्थ पुत्र है उसके योग्य है तब भी, तो ये भी गलत है। माता और पिता के मुख्य संस्कार करने का औरदैहिक कृत्य करने का सर्वप्रथम अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही है, और उसके न रहने पर या उसकी अनुमति से फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, इस प्रकार एक क्रम है। अथवा यदि किसी का जो है किसी पुत्र का यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ और उससे छोटे का संस्कारवान है, वो संस्कार हो चुका है, तो द्विजत्व प्राप्त हुए उस यज्ञोपवीत संस्कारी पुत्र का ही सर्वप्रथम अधिकार है, और सबका यज्ञोपवीत हो गया है तो ज्येष्ठ क्रम से ही, किसी का भी नहीं हुआ है तब भी ज्येष्ठ क्रम से ही, ये माता पिता के संस्कार में पुत्र आदि अधिकारी होते हैं। सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत् कृतं द्रव्येण च विभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्। कह रहे हैं सर्वेषां तु मतं कृत्वा, ऐसा माना गया है कि ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा जो कृत्य कर दिया गया तो सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। कौन सा कर्म? ये जो पिता की मृत्यु के बाद जो भी औरदैहिक कृत्य होता है, दहन आदि कृत्य, वो सब उन्हीं के द्वारा किए हुए माने जाएंगे। सब पुत्रों को अलग अलग, ऐसा नहीं है सब पुत्र दाह करेंगे, सब पुत्र एकादशा करेंगे, सब पुत्र जो है मलिन षोडशी उत्तम षोडशी करेंगे, ऐसा नहीं है, वो ज्येष्ठ ही पुत्र करेगा। और यदि बहुत पुत्र भी हैं तब भी द्रव्येण च अविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्, और जब तक द्रव्य विभक्त नहीं है तब तक ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा किया गया ही सभी के द्वारा किया हुआ माना जाता है। एकादशाद्या क्रमशो ज्येष्ठस्य विधिवत क्रिया, एकादशा आदि ये सपिंडीकरण आदि, यानी कि जब कोई पिता माता दिवंगत होते हैं तो उस समय ये जो
12 दिन तक की जो क्रियाएं होती हैं या एक वर्ष तक पिंडीकरण जो कर्म होता है उसको एक ही पुत्र करेगा, ज्येष्ठ या उससे फिर कनिष्ठ या जो भी अधिकारी बतलाया गया वो ही। और अलग अलग यदि हो गए हैं तो वे अपने अपने धन से अब सब लोग उसमें धन लगाएंगे, करेगा ज्येष्ठ ही पुत्र, परंतु सबको उसमें अपना अपना जो है धन लगाना चाहिए, सबका पैसा उसमें लग जाना चाहिए, ये नियम है। पर न एक सब प्रत्येक अलग अलग इन क्रियाओं को संपादित नहीं करेंगे, परंतु श्राद्धमाब्धिकम तु पृथक पृथक, आब्धिकम श्राद्धम तु पृथक पृथक। यदि वे लोग विभक्त हो गए हैं और फिर ये तात्कालिक क्रिया सपिंडीकरण तक वर्षी श्राद्ध तक ये समझिए हो गई, फिर उसके बाद जो एकोदिष्ट होगा वार्षिक श्राद्ध होगा प्रतिवर्ष जिसकी जिस तिथि जिस महीने की जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उस तिथि पर और उसी महीने में वहाँ जो श्राद्ध होता है तो वो एकोदिष्ट कहलाता है। उस पिता तो पिता के लिए होगा, माता तो माता के लिए ही होगा, तो उसको तो फिर सबके लिए विभक्त जो है पृथक पृथक करना चाहिए। जिनका जो दाय अलग अलग हो गया, जिन्होंने धन बंटवारा कर लिया पिता की संपत्ति का, तो वे लोग सभी जो है अलग अलग श्राद्ध करेंगे और तर्पण भी पृथक पृथक करेंगे, ये शास्त्र का नियम है। तो इसी प्रकार पितृपक्ष महालय में भी, इसमें भी यदि वे सब संयुक्त हैं तो अपना सब धन दे करके और सबका तो धन मिला हुआ ही है, फिर तो कोई बात नहीं है, तो ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। और यदि वे जो है विभक्त हो गए हैं तो सभी पुत्रों को पृथक पृथक ही श्राद्ध करना चाहिए, वे लोग अपना अपना जो है जो तर्पण भी करें और श्राद्ध भी दें। तो ये जो पितृपक्ष में नित्य प्रति तर्पण होता है तो ये तर्पण तो नित्य तर्पण माना जाता है, जैसे रोज नहीं कर रहे हैं तो ये जो है 15 दिन तक कर रहे हैं, परंतु एक श्राद्धांग तर्पण होता है वो तर्पण तो श्राद्ध करने के बाद ही होता है। तो जो रोज तर्पण कर रहे हैं वो तो रोज पहले तर्पण करके फिर पिंड दानात्मक या ब्राह्मण भोजनात्मक या द्रव्य दानात्मक आमान्न दानात्मक आदि जो है श्राद्ध करके उसके बाद फिर तर्पण करना चाहिए जिस दिन श्राद्ध हो। ये तर्पण अत्यावश्यक है, जिसको श्राद्धांग कहा गया है, श्राद्ध करने के बाद तर्पण अवश्य करे। तो ये जो भी पुत्र जितने भी संख्या में हैं, छोटे बड़े बीच के, कुछ लोगों की ऐसी शंका है कि भाई बीच वाले पुत्र नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी निषेध नहीं है। सभी पुत्र जो भी विभक्त हुए हैं अलग अलग हैं पिता की संपत्ति का, जो भी जिन्होंने भाग लिया है, जो भी पिता माता के पुत्र हैं, उन सभी को हर श्राद्ध फिर अलग अलग ही करना चाहिए, तर्पण भी सभी को करना चाहिए। इस बात को कई बार कह दिया गया, इसका मतलब ये बिल्कुल जो है सर्वथा सिद्ध है। इसको आप लोगों से बिल्कुल अनुरोध है कि समस्त श्राद्ध जो है और तर्पण आदि कृत्य अवश्य करें। लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनके पतंत पितर ये साम लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनके जो है जिनके कुल में ना तो पिंड दिए जाते हैं और ना ही तर्पण आदि किया जाता है, उनके पितर पतंती गिर जाते हैं, अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, नरक में जो है यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए जिन जो है पितरों की कृपा से, जिन माता पिता की कृपा से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और आज हम ये सब यहाँ के जो है आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, प्रत्यक्ष जन्य सब तरीके का आनंद ले रहे हैं, तो और उनका सब हमको दाय भी धन संपत्ति आदि प्राप्त हुआ है, तो अगर उनके लिए तर्पण क्या लगता है उसमें थोड़ी सी विधि में, तो प्रमाद छोड़ करके तर्पण और श्राद्ध विधिवत अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।